नमस्कार, आप देख रहे हैं नेक्स्ट टाइम स्पिरिचुअल। आपके साथ मैं हूँ रीना। वैदिक ज्योतिष में हर ग्रह के राशि परिवर्तन की अवधि बताई गई है। जब भी ग्रह राशि परिवर्तन करते हैं तो वो युति बनाते हैं और कई तरह के शुभ और अशुभ योग बनाते हैं। बीती 25 जुलाई 2023 को बुध ग्रह गोचर करके सिंह राशि में प्रवेश कर गए हैं। वही शुक्र और मंगल ग्रह अपने पहले से ही मौजूद है उसमें। इससे सिंह राशि में मंगल, बुध और शुक्र की युति बन गई है। इससे सिंह राशि में त्रिग्रही योग बन गया है। यह त्रिग्रही योग 12 राशि वालों के लिए बड़ा बदलाव लाएगा। वहीं कुछ राशि वालों के लिए तो यह किस्मत बदलने वाला साबित हो सकता है। इन लोगों की कोई बड़ी इच्छा पूरी हो सकती है, धन लाभ हो सकता है, बड़ा पद प्रमोशन भी मिल सकता है। आइए जानते हैं कौन सी है वो राशियाँ। पहली है सिंह राशि। सिंह राशि में ही बुध, शुक्र और मंगल की युति बन रही है। इसका अच्छा असर सिंह राशि के जातकों पर होगा। इन जातकों को खूब पैसा मिलेगा, बड़ा पद मिल सकता है, जीवन में सुख साधन मिलेंगे। आप नया वाहन, प्रॉपर्टी ले सकते हैं। बेरोजगारों को नौकरी मिल सकती है। आपकी कोई बड़ी इच्छा भी पूरी हो सकती है। इसके बाद है तुला राशि। तुला राशि वाले जातकों को त्रिग्रही योग खासा लाभ दिलाएगा। आपकी इनकम में बढ़ोतरी होगी, कहीं से पैसा मिलेगा, आय बढ़ने से बैंक बैलेंस बढ़ेगा, बचत करने में कामयाब रहेंगे। साझेदारी में बिजनेस करने वालों को बड़ा लाभ होगा, आपका मुनाफा बढ़ेगा, नौकरी करने वालों को प्रमोशन मिल सकता है। इसके बाद है कुंभ राशि। कुंभ राशि के जातकों को त्रिग्रही योग का बनना लाभ देगा। अचानक पैसा मिल सकता है, आपकी इनकम बढ़ सकती है, आर्थिक राहत मिलेगी, पार्टनरशिप के काम से लाभ होगा, सेहत बेहतर होगी, आत्मविश्वास बढ़ेगा, वर्क प्लेस पर अच्छा महसूस करेंगे, आपके काम की भी सराहना होगी। अगर आपको हमारी ये जानकारी अच्छी लगी हो तो कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें और हमारे आने वाले वीडियोस के अपडेट पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल आइकन दबाना ना भूलें।